नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। सो दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो किस तरह से बेहतर है आपके खुद के बिजनेस से, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और डिटेल में समझने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस बिजनेस। सो दोस्तों, यहां पे सबसे पहला अगर बेनिफिट की बात करूं तो यहां पे जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपका कोई भी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके खुद के बिजनेस के लिए जो है आपको काफी अच्छा कैपिटल जो है एक फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाना पड़ता है, और साथ ही साथ जो है टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा वहां पे। सो तो यहाँ पे जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं करना होता है। आपका जो सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लगता है। सो दोस्तों, ये सबसे बड़ा पहला एडवांटेज है एफिलिएट मार्केटिंग का। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है कि आपको जो है कस्टमर हैंडलिंग नहीं करनी है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ करते हैं तो आपको जो है जितनी भी अगर कोई कस्टमर की कंप्लेंट्स है या कस्टमर्स का कोई भी और इश्यू है तो वो सारी कस्टमर कंप्लेंट्स जो है आपको हैंडल नहीं करनी है। ये जो है जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ आप एसोसिएट होंगे, चाहे वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या कोई और अदर ब्रांड्स हैं, उनके ही सारी कस्टमर कंप्लेंट्स जो है वो हैंडल करनी है। तो ये एक काफी अच्छा बेहतर तरीका है, तो बेनिफिट है एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर आप खुद का अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टोर या खोलना चाहते हैं तो वहां पे आपको कस्टमर के जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो आपको खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी, उसके लिए एडिशनल स्टाफ वगैरह लगाना पड़ेगा। तो यहां पर भी आपका सेकंड पॉइंट पे भी आपका जो स्टाफ रखोगे उसके लीगल टर्म्स वगैरह प्लस उसके साथ में आपको फाइनेंशियली उनको जो सैलरी देनी है वो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो ये कि काफी बड़ा चैलेंज होता है कस्टमर हैंडलिंग, तो जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हमें ये बेनिफिट काफी अच्छा मिल जाता है। तीसरे अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो यहां पे आपको कोई भी शिपिंग की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आपको सिर्फ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है, अगर सेल होते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आती है शिपिंग से रिलेटेड, क्योंकि कस्टमर्स जितनी भी शिपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो आपके कॉल सेंटर पे करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हैं उन्हीं को ये शिपिंग जो है वो हैंडल करनी है, तो यहाँ पे आपका जो है शिपिंग का जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको नहीं होंगी, यानी कि ये भी एक काफी अच्छा बेनिफिट आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मिलता है। सो वहीं पे अगर खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स भी खुद ही सुलझानी पड़ेंगी। सो दोस्तों, अगर इसके बाद मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे है आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अगर यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो सेल हो रहे हैं, अगर किसी भी तरह से कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो जो है किनको जिनका आप प्रमोशन कर रहे हैं उन्हीं को हैंडल करना है, या फिर अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपको खुद के जितने भी जीएसटी वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह फिर उनकी फाइलिंग वगैरह बहुत सारे लीगल टर्म्स भी आपके पास जो है एक बर्डन बन जाता है, उसके लिए भी आपको अलग से एक स्टाफ रखना पड़ता है जो कि आपके पूरे अकाउंट्स को क्लियर रखे, आपके टाइम टू टाइम जितनी भी फाइलिंग होनी है उन सब चीजों की टैक्स वगैरह की उनको ध्यान रखे। तो ये सारी चीजें जो है आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है एक अच्छा बेनिफिट मिलता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो दोस्तों, अगर इसके बाद में बात करूं पांचवा, तो यहां पे जो है आप जो है मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर जो है काम कर सकते हैं। ये बेनिफिट जो है ये काफी अच्छा है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर ही करेंगे, तो वहां पे अगर आप डे वन से जो अगर बात करें तो मल्टीपल कैटेगरी में जाने की तो आपके पास वो चीज ऑप्शन नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पे आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो नहीं अगर बिक रहा है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, वो बिकेंगे, तो अगर वो भी नहीं बिक रहे हैं तो आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है, चौथा ऑप्शन होता है, पांचवा ऑप्शन होता है। और लेकिन वहीं पर अगर आपका खुद का बिजनेस हो तो अगर आपने जिस भी ऑप्शन के अंदर आपने जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने बिजनेस आपका स्टार्ट किया है अगर उस कैटेगरी में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, वो सेल नहीं मिलती है, तो आपको जो है यहाँ पे वो अपने बिजनेस को आपको शट डाउन करना पड़ेगा और दूसरी कैटेगरी में स्विच करने के लिए भी आपको जो है वापस से एक फाइनेंशियल जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी दूसरी कैटेगरी में स्विच कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की तो यहाँ पर वापस से आप कभी भी किसी भी वक्त जो है मल्टीपल, मैं बोलता हूं डेली आप जो है मल्टीपल कैटेगरी के अंदर जो है काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों जो कि है सिक्स पॉइंट, वो है इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि आप किस कैटेगरी में जो है वो काम अच्छे से कर पाएंगे, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप मार्केट के अंदर आप सेल कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना वही है जो आप खुद के बिजनेस का करते। आपका खुद का बिजनेस होता तब भी आपको जो है आपके जितने भी किसी भी कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट हैं आपको उनको प्रमोट करना है, सेल करना है, तो मल्टीपल जगह पे आपको उनके एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो वही चीज जो है आप यहां पर भी करेंगे और वहां पे आपको ये गारंटी नहीं होगी कि यार अगर जिस कैटेगरी का मैं प्रमोशन कर रहा हूं, जिस कैटेगरी का मैं बिजनेस हैंडल कर रहा हूं उसमें जो है आपको सेल होगी कि नहीं होगी, ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। लेकिन अगर यहां पे हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि कौन सी कैटेगरी में जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो ये भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको जो है मिल जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आप एक एफिलिएट मार्केटिंग कर लें। एफिलिएट मार्केटिंग में आप खुद को परख सकते हैं कि आप उसमें सक्सेस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पाएंगे। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपना बिजनेस जो है स्टार्टअप कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन सी कैटेगरी में आपको जाना है, कौन सी कैटेगरी को प्रोडक्ट को जो आप किस तरह से प्रमोट करेंगे तो वो सेल होती है। तो बहुत सारी एक्सपीरियंस जो है एफिलिएट मार्केटिंग से मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट एक्सपीरियंस जो है एफिलिएट मार्केटिंग से आपको मिलते हैं। तो ये चीजें जो है एफिलिएट मार्केटिंग से जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वही चीजें आपके बिजनेस, जब आप लेटर ऑन अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वही एक्सपीरियंस आपको वहां डालना है और आपका बिजनेस भी काफी अच्छा सक्सेस हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि अगर बिजनेस वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या आपको करना है, किस तरह से अगर आपको करना है। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखना ना भूले। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। लेकिन नोटिफिकेशन कब मिलेंगे, जब आप बेल का आइकन दबाएंगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।